हे गाइस, यू आर वेलकम। आज मैं ऑल आई नीड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस मूवी की कहानी में एक जगह जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है, और अब यहाँ पर उनके साथ क्या होता है इस वीडियो में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोई है, जो कि बेहोश होती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने को इस हालत में देख घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और इसी के साथ वो वहाँ पर और भी लड़कियों को देखती है जो कि बेहोशी की हालत में होती हैं और बदी हुई होती हैं, जिन्हें देखकर क्लोई और ज़्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। उसके बाद क्लोई अपने सामने एक बेहोश लड़की को देखती है, और तभी वो देखती है वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और रोने लगती है। लेकिन तभी दरवाजे को खोल कोई वहाँ पर आता है, जिसे देख क्लोई बेहोश होने का नाटक करती है। उसके बाद वो आदमी उस लड़की को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और तब क्लोई दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ पर उसे उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ और एक मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। और कुछ समय बाद क्लोई को उस लड़की की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। इसका मतलब क्लोई समझ जाती है उस आदमी ने उस लड़की को मार दिया है। उसके बाद दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रू है, जो कि काम की तलाश में शहर में घूम रहा होता है। और एंड्रू की एक बेटी है जिसका नाम जोई है, जो अभी एंड्रू के साथ ना रहकर एक चाइल्ड इंस्टीट्यूशन में रह रही है। और एंड्रू चाहता है उसकी लड़की उसके साथ रहे, लेकिन चाइल्ड इंस्टीट्यूशन वाले एंड्रू से जोई की बात नहीं कराते और ना ही एंड्रू से जोई को मिलने देते हैं, क्योंकि एंड्रू ने अभी तक इस संस्था को पैसे नहीं दिए हैं। और संस्था वाले चाहते हैं जोई के रखरखाव में जो भी खर्चा आया है एंड्रू पहले उसे दे दे, उसके बाद एंड्रू अपनी लड़की जोई को अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन एंड्रू के पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए वो जॉब की तलाश कर रहा है। और एंड्रू की वाइफ कहाँ है और उसकी लड़की जोई चाइल्ड इंस्टीट्यूशन में कैसे पहुंची और उसके साथ ये सब कैसे हुआ, मूवी में इस बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है। और एक जगह पर जाकर एंड्रू रोड के किनारे खड़ा हो जाता है और यहीं पर उसे रात हो जाती है। और इसी के साथ रोड की दूसरी तरफ से कोई उस पर नज़र रखे हुए है। और कुछ समय बाद एंड्रू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। इधर क्लोई के पास एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला है, जो क्लोई को खोलने लगती है। और तभी दोनों को दरवाजे की तरफ से आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद एंजेला और क्लोई दरवाजे की तरफ देखते हैं, और थोड़ी देर बाद एंजेला क्लोई के मुंह की पट्टी खोल देती है, और पट्टी खुलते ही क्लोई बोलने वाली होती है। लेकिन एंजेला क्लोई के मुंह पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ देखती है, और कुछ देर बाद एंजेला बेड के नीचे जाती है और क्लोई से दूसरी तरफ मुड़ने को कहती है, लेकिन क्लोई मना करती है। और तभी दरवाज़ा खुलता है, जिसके बाद क्लोई दूसरी तरफ मुड़ती है और देखती है उस आदमी ने उस लड़की को मार दिया है जो क्लोई को पहले होश में आते हुए दिखी थी। उसके बाद वो आदमी दूसरे कमरे में चले जाता है, और तब एंजेला वहाँ पर आती है जो क्लोई के हाथ को खोलती है। और इसी बीच क्लोई एंजेला से पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है? एंजेला कहती है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है और हम यहाँ कैसे पहुँचे, और ये जगह पता नहीं कहाँ पर है। उसके बाद एंजेला क्लोई को उठाती है और उससे अपने पैरों को खोलने को कहती है, और दरवाजे के पास जाकर बाहर देखती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद एंजेला क्लोई से कहती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तभी वो देखती है क्लोई एक जगह पर ही बैठे हुए है और अपने पैरों को भी नहीं खोला है। और ऐसा क्लोई इसलिए करती है क्योंकि वो सदमे में होती है। और यह सब देख एंजेला क्लोई के पैरों को खोलती है। उसके बाद क्लोई खड़े होती है, और तब वो वहाँ पर हर जगह लड़कियों को देखती है जो कि बदी हुई और बेहोश होती है। और यह सब देख क्लोई दोबारा से वहाँ पर नीचे गिर जाती है। उसके बाद एंजेला क्लोई को उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है, जहाँ पर वो एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से वो आदमी भी दरवाजे को खोलने लगता है। और यह सब होता देख एंजेला क्लोई को लेकर एक दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ पर वो लोग छुपते हैं। और तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और एंजेला को पकड़ दूसरी तरफ ले जाकर उसे मारने लगता है। और कुछ देर बाद वो क्लोई को भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ एंड्रू एक आदमी के लिए कुछ लकड़ियों को काटता है, जिसके बाद वो आदमी उसे पैसे देता है। और इसी के साथ दूसरी तरफ से एक आदमी कार में बैठकर उस पर नज़र रखे हुए है। उसके बाद एंड्रू अपने घर पर आता है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स और एक लिफाफा दिखता है जिसमें एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, जिसे लेकर एंड्रू घर के अंदर आ जाता है। और कुछ देर बाद एंड्रू उस लिफाफे के अंदर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करता है और कहता है, मुझे लगता है आपका पैकेज गलती से मेरे पास आ गया है। दूसरी तरफ से एक आदमी जिसका नाम पॉल है एंड्रू से कहता है, ये कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक जॉब है। इस पर एंड्रू कहता है, मैं समझा नहीं। दूसरी तरफ से पॉल कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है।
एंड्रू कहता है, वो क्या है? पॉल कहता है, एक डिलीवरी। तुम एक पैकेज को डिलीवर करना है और इसके लिए मैं तुम्हें $200 दूंगा। एंड्रू कहता है, मैं कोई पोस्टमैन नहीं हूँ। पॉल कहता है, देखो कोई बात नहीं, तुम पैकेज को खोलो। इस पर एंड्रू पॉल से कहता है, देखो मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। और तब पॉल एंड्रू से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उस पैकेज को खोल सकते हो। उसके बाद एंड्रू उस पैकेज को खोलता है, जहाँ पर उसे दो किताबें दिखती हैं, जिन्हें देख एंड्रू फ़ोन के पास जाता है और पॉल से कहता है, ये तो किताबें हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इन किताबों को डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे। और तभी दूसरी तरफ से पॉल एंड्रू से कहता है, तुम मुझे एक वफादार इंसान लगते हो। और यह सुन एंड्रू पॉल से कहता है, ये क्या मजाक कर रहे हो? पॉल कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए नौकरी की पेशकश है, अब बोलो तुम्हें नौकरी चाहिए। इस पर एंड्रू पॉल से कहता है, देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इस पैकेज को डिलीवर नहीं कर पाए। और तभी पॉल एंड्रू से कहता है, देखो अगर तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए तो तुम्हें इस पैकेज को लेने की ज़रूरत नहीं है, अब बताओ तुम्हें नौकरी चाहिए। उसके बाद एंड्रू पॉल से कहता है, क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है इस बारे में सोचने का? पॉल कहता है, ठीक है, मैं संपर्क में रहूँगा, और फ़ोन काट देता है। और कुछ समय बाद एंड्रू के पास पॉल का फ़ोन आता है, जो एंड्रू से नौकरी के बारे में पूछता है। और तब एंड्रू पॉल से कहता है, हाँ मुझे नौकरी चाहिए। उसके बाद पॉल एंड्रू को एक एड्रेस बताता है और कहता है, एक पैकेज बाहर तुम्हारे दरवाजे पर है, जिसका आधा पेमेंट ले लिया गया है और बाकी का डिलीवर करने पर मिल जाएगा। और तभी एंड्रू पॉल से कहता है, नए पैकेज के बारे में क्या? इस पर पॉल एंड्रू से कहता है, फ़ोन रखो और दरवाजे के पास जाओ, जहाँ पर तुम्हें एक नया पैकेज मिलेगा। उसके बाद एंड्रू उस पैकेज को ले लेता है। इधर किलर क्लोई को एक कमरे में फेंकता है और एंजेला की लाश को दूसरी तरफ ले जाता है। और किलर के दूसरे कमरे में चले जाने के बाद क्लोई खड़ी होती है और एक दरवाजे के छेद से दूसरी तरफ देखती है, जिसके बाद क्लोई एक अलमारी को खोलती है, जहाँ पर उसे एक लड़की का हाथ दिखता है। उसके बाद क्लोई उस कमरे में घूमते हुए देखती है, जहाँ पर उसे हर जगह लड़कियाँ दिखती हैं, जो कि बधी हुई और बेहोश होती हैं। और तब क्लोई एक खिड़की के पास जाती है, जिसे लकड़ी के पट्टों से कवर किया हुआ होता है, जिसे देख क्लोई उसे खोलने की कोशिश करती है। और तभी क्लोई को वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद क्लोई बेहोश लड़कियों की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि सभी लड़कियाँ बेहोश होती हैं। उसके बाद क्लोई एक कमरे का दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पर वो हर जगह खून को देखती है, और ये कमरा एक बाथरूम होता है। उसके बाद क्लोई बाथरूम की खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती, जिसके बाद क्लोई खिड़की से आवाज़ लगाती है, लेकिन तभी क्लोई को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद क्लोई डरते हुए बाथरूम से बाहर आती है और कमरे में उस जगह पर जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ बेहोश होती हैं। और तभी उन लड़कियों में से एक लड़की क्लोई को हिलते हुए दिख जाती है, जिसके बाद क्लोई उस लड़की के मुँह की पट्टी को खोलती है और उससे चुप रहने को कहती है। और इस लड़की का नाम एस्ली है, लेकिन कुछ देर बाद क्लोई एस्ली के मुंह पर दोबारा पट्टी को बांध देती है और दूसरी तरफ जाकर एक ड्रॉ टेबल को घसीटते हुए दरवाजे के आगे रख देती है। उसके बाद क्लोई एस्ली के मुंह की पट्टी को खोलती है और तभी एस्ली बोलने लगती है, जिसके बाद क्लोई एस्ली के मुँह पर दोबारा पट्टी बांध देती है। और उसके कानों में यहाँ पर जब से वह होश में आई है, उसके बाद जो भी हुआ पूरी घटना बताती है। और उसके बाद क्लोई एस्ली के मुंह की पट्टी को खोल देती है और फिर उसके पाँव की पट्टी खोल उसे किसी तरह बिस्तर पर बैठाती है। और अब यहाँ पर बात करें एस्ली अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसका सीधा सा ये मतलब है, एस्ली काफ़ी समय से बेहोश थी और उसके ऊपर कुछ लड़कियाँ भी थी, जिसकी वजह से एस्ली के पैरों में रक्त संचार होना बंद हो गया और एस्ली के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन तभी किलर वहाँ पर आ जाता है, जो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिसे देख क्लोई और एस्ली डर जाते हैं। और तभी क्लोई तेजी से वहाँ पर रखे एक छोटे से ड्रॉ टेबल को खींचते हुए वेंटिलेशन के पास ले जाती है, जहाँ पर क्लोई टेबल में चढ़ उस वेंटिलेशन की खिड़की को खोलने लगती है। इधर किलर भी दरवाजे को खोलने वाला होता है, जिसे देख एस्ली काफ़ी डरी हुई है। और थोड़ी देर बाद क्लोई वेंटिलेशन की खिड़की को खोल देती है। उसके बाद वो एस्ली को पकड़कर टेबल के पास ले जाती है, जहाँ पर वो पहले वेंटिलेशन के अंदर जाती है और एस्ली से हाथ देने को कहती है, जिसके बाद एस्ली किसी तरह घसीटते हुए टेबल के पास पहुँचती है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। और थोड़ी देर बाद एस्ली किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है, क्लोई एस्ली के हाथ को पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचती है। और ये सब किलर देख लेता है, क्योंकि वो अंदर आ चुका है।
ऊपर वेंटिलेशन के अंदर क्लोई एस्ली को ऊपर खींचती है, लेकिन तभी किलर नीचे से एस्ली को खींचता है, जिसके बाद एस्ली नीचे गिर जाती है, जिसे किलर मारने लगता है। ऊपर वेंटिलेशन में क्लोई ये सब सुन रही होती है, और तभी किलर नुकीले हथियार से वेंटिलेशन पर वार करता है, क्योंकि उसे शक है कि कोई अभी भी ऊपर है। और कुछ समय बाद जब क्लोई खिड़की पर लात मार रही होती है, तब नुकीला हथियार क्लोई के पैर में लग जाता है, जिसकी वजह से क्लोई को दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं। उसके बाद क्लोई घसीटते हुए आगे बढ़ती है और एक छेद से नीचे देखती है, जहाँ पर उसे किलर नहीं दिखता। और जब क्लोई नीचे देख रही होती है, तभी नुकीला हथियार सीधे क्लोई के शोल्डर में लगता है, लेकिन क्लोई चिल्लाती नहीं, क्योंकि नीचे किलर ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। और ये देख क्लोई अपनी चोट को दबाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा खून निकले। और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि जब खून बहकर छेद से बाहर गिरता है, तो ये देख किलर क्लोई को मरा हुआ समझ एस्ली की लाश को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ एंड्रू पॉल के लिए डिलीवरी का काम कर रहा है, और एंड्रू के पास एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी है, जिसे एंड्रू को उसके एड्रेस तक पहुँचाना है। और जब वो अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तभी दो चोर एंड्रू से वो पैकेज लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद एंड्रू उन्हें ढूंढता है और पॉल को पूरी बात बताता है। इस पर पॉल एंड्रू से कहता है, देखो तुम जल्दी से उस पैकेज को ढूंढ लो, वरना सारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एंड्रू उन चोरों को रात भर ढूंढता है और सुबह पॉल को कॉल कर बताता है, मैं उन चोरों को नहीं ढूंढ पाया। जिसके बाद पॉल एंड्रू को एक एड्रेस बताता है जहाँ पर वो चोर है। उसके बाद एंड्रूज घर में जाकर बड़ी ही बेरहमी से उन दोनों चोरों को मार देता है और उस पैकेज को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर क्लोई किसी तरह वेंटिलेशन से बाहर आती है और एक अलमारी को खोलती है, जिसमें से वो कुछ लड़कियों की पट्टी को खोलकर अपनी चोटों पर बांधती है। उसके बाद क्लोई सभी लड़कियों के मुंह और हाथ पैर की पट्टियों को खोलकर और उन्हें जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाती है, जिसके बाद क्लोई वहाँ पर उस रस्सी से एक ट्रैप बनाती है। इधर पॉल एंड्रू के काम से खुश होता है और उससे कहता है, अब हमें तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। एंड्रू कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? पॉल कहता है, मेरा एक एम्प्लॉयर है जो कुछ समय के लिए एक पार्टनर को ढूंढ रहा है जो कि और अधिक कठिन कार्य कर सके, और ये काम उनका प्राइवेट काम है जिसके लिए तुम्हें लाखों रुपये मिलेंगे, और तुम्हें फ़ोन पर नहीं बल्कि उसके घर जाकर मिलना होगा। उसके बाद एंड्रू उस एम्प्लॉयर के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ है, जो एंड्रू से कहती है, मैं तुम्हारे जीवन को और बेहतर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। इस पर एंड्रू एलिजाबेथ से कहता है, वो क्या काम है? एलिजाबेथ कहती है, जैसे जवानी को हमेशा के लिए बुढ़ापे से दूर रखा जा सकता है। एंड्रू कहता है, वो कैसे? और तब एलिजाबेथ एंड्रू से कहती है, मुझे एक रास्ता मिला है, लेकिन इसके लिए एक ऐसे की ज़रूरत है जो हर प्रकार से उस काम में सही हो। और यह सुन एंड्रू एलिजाबेथ से कहता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? एलिजाबेथ कहती है, तुम मेरे लिए जवान लड़कियों का खून निकालोगे। और तब एंड्रू एलिजाबेथ से कहता है, मैं समझा नहीं। एलिजाबेथ कहती है, तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि ये सबसे सही है उन लड़कियों के लिए जो हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, और इस तरह से हम उन लड़कियों को हमेशा जवान रख पाएंगे। इस पर एंड्रू एलिजाबेथ से कहता है, ये मैं नहीं कर सकता, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ एंड्रू से उसकी लड़की के बारे में पूछती है और कहती है, इस काम का तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम अपनी लड़की की ज़िंदगी संवार सकते हो। इस पर एंड्रू एलिजाबेथ से पूछता है, ये सारी लड़कियाँ कहाँ से आती हैं जिनका खून निकालना होता है? एलिजाबेथ कहती है, हर जगह से। एंड्रू कहता है, लेकिन तुम लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? एलिजाबेथ कहती है, पैसा सब कुछ छुपा देता है। इधर क्लोई एक दरवाजे के छेद से बाहर देखती है, जहाँ पर उसे वो किलर दिखता है। और जब वो किलर दरवाजे के अंदर आता है, तब क्लोई रस्सी के फंदे को अपने गले में डालती है, जिसे देख किलर रुक जाता है। और कुछ देर बाद किलर क्लोई को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन किलर के पैर में क्लोई के द्वारा लगाई गई रस्सी फंस जाती है, जिसकी वजह से किलर क्लोई की तरफ गिरता है। और तभी क्लोई अपने गले के फंदे को निकालकर किलर के गले में डाल देती है, जिसकी वजह से किलर को फांसी लग जाती है। उसके बाद क्लोई वहाँ पर पड़े हथियार से किलर के हाथ में मारती है, और दूसरी तरफ जाकर वहाँ पर बेहोश लड़कियों को एक एक कर बेड में रखती है, जिसकी वजह से किलर के गले में लगा फंदा कसने लगता है। उसके बाद क्लोई रस्सी के पास जाकर उसे जोरों से खींचने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद किलर मर जाता है।
और तब क्लोई किलर के पास जाकर उसके चेहरे के मास्क को हटाती है, जहां पर वो देखती है किलर मर चुका है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ एंड्रू से कहती है, क्या तुम इस काम को करोगे? एंड्रू कहता है हाँ। एलिजाबेथ कहती है, तो ठीक है, हमारे पास अभी एक जगह खाली है। और अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, क्लोई ने अभी लड़कियों का खून निकालने वाले जिस किलर को मारा है, अब उसकी जगह एंड्रू काम करेगा। इधर क्लोई उस आदमी के चेहरे को देखने के बाद वहाँ से चली जाती है और दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर की तरफ देखती है, और फिर वो धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।